देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम। नोएडा के न्यूज वर्ल्ड इंडिया स्टूडियो से गाजियाबाद की दूरी 28 किलोमीटर और नोएडा से गुरुग्राम की दूरी 53 किलोमीटर और दोनों के आपस में दूरी है 61 किलोमीटर। लेकिन दोनों जगहों से आए दो बयानों ने भारत को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि एक तरफ गाजियाबाद सर संघ चालक मोहन भागवत जी बयान दे रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एक, सभी का डीएनए एक है, इस पर कोई बहस नहीं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है, ये दो है ही नहीं। एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं। वहीं गुरुग्राम में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि अगर भारत हमारी माता है तो पाकिस्तान के हम बाप हैं, और ये पाकिस्तान को हम यहाँ के घरों में किराए पर भी नहीं रहने देंगे, मकान भी नहीं देंगे, इनको इस देश से निकालो, ये प्रस्ताव पास करो। ये मुझे कटवाते हैं, हम काटने वाले अगर अपनी ताकत है तो देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो, इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बनाना है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब बाबर हिमायू पैदा होंगे, हम 100 करोड़ है और ये 20 करोड़ कम। तो बहरहाल इन दोनों बयानों ने सियासत के थर्मामीटर को भी फेल कर दिया है। हिंदू तो नरम है या गरम, इस पर फिल्म सिटी में नोएडा में बैठे पत्रकार चाय पी पी कर आकलन किए जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि उनके इस आकलन में अदरक संपादक डाल देते हैं, चाय पत्ती वो खुद डाल लेते हैं, बाकी चीनी थोड़ी ज्यादा रखते हैं ताकि टीआरपी की मिठास बनी रहे। और यकीन करिए, सियासत में अप डाउन, राइट लेफ्ट, ट्राइंगल, सर्किल, रेक्टेंगल, जो भी होता है उसका क्रेडिट नेताओं को ही जाता है। अगर चंपारण के चचा और तारागंज के ताऊ ऐसा समझते हैं कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है तो वो धोखे में जी रहे। अगर आप एक आम आदमी हैं तो आपको चूस कर खा लिया जाएगा, आप नेताओं के लिए सिर्फ एक वोटर हैं, न्यूज चैनलों के लिए सिर्फ टीआरपी रेटिंग, अमीर लोगों के लिए गरीब, और गरीब तो फिर आप है ही हैं। संविधान में सबको बराबर का हक है, ये बात अगर संविधान किसी इंसान का नाम होता तो वो मुस्कुराते हुए लहजे में ही कह पाता। खैर, वापस 2021 के जुलाई में आते हैं, जब तक भारत का लेफ्ट और राइट गैंग ट्विटर पर युद्ध लड़ते लड़ते एक दूसरे पर हावी हो ही रहा होता है कि कोई ना कोई सेल्फ बोल कर देता है। इस बार परेशानी में राइट विंग वाले हैं, राइट विंग में भी अब लेफ्ट राइट हो गया है, क्योंकि आज रात का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का हालिया स्टेटमेंट हिंदुत्व में नरमी का संकेत है? क्या भारत में हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक ही है? अगर ऐसा है तो एनआरसी में कागजों की क्या जरूरत है? अगर ज्यादा शक हो तो डीएनए मैच करा सकते हैं, और अगर डीएनए मैच हो जाता है तो कागज खो जाता है तो क्या करना होगा? क्या इसके लिए एनआरसी में कोई अलग से कॉलम भर दिया जाएगा? इसके साथ ही मोहन भागवत जी का कहना है कि जो भी हिंदू किसी मुसलमान को पाकिस्तान जाने के लिए कहता है तो वो हिंदू नहीं है। तो ऐसे में क्या बीजेपी नेता संगीत सोम हिंदू नहीं है? बीजेपी नेता गिरिराज सिंह हिंदू नहीं है? बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार हिंदू नहीं है? और सबसे बड़ी बात कि जिस सूबे में सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ये बात कह रहे थे, उस राज्य के मुखिया भी क्या हिंदू नहीं है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संगीत सोम ने 12 जनवरी 2021 को कहा था कि देश के मुस्लिमों को देश पर भरोसा नहीं, पाकिस्तान में आस्था है, पाकिस्तान चले जाए। गिरिराज सिंह ने 21 फरवरी 2020 को कहा था कि 1947 को सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, पूर्वजों ने गलती की। विनय कटियार ने 7 फरवरी 2018 को कहा था कि मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 फरवरी 2014 को कहा था कि आजम खान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जो हिंदू किसी मुसलमान को पाकिस्तान भेज रहा है, अगर वो हिंदू नहीं है तो ऐसे में एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदू नहीं रह जाएगा, क्योंकि देर सवेर कोई ना कोई किसी मुसलमान को पाकिस्तान भेज ही देता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। कुछ को पाकिस्तान से प्यार हो सकता है लेकिन भारत से नफरत नहीं हो सकती, क्योंकि अपनी मिट्टी से जो नफरत करता है वो आतंकवादी ही हो सकता है। और जैसे कि कहावत है कि पागल कुत्ते को गोली मारी जाती है, वैसे ही आतंकवादी को भी देर सवेर गोली मारी दी जाती है, तो उसका किसी धर्म से क्या मतलब? ये उस धर्म के लोग ही मानने से इनकार कर देते हैं आखिर में। बाकी मोहन भागवत जी के बयान के बाद उन बीजेपी नेताओं की नींद छुट्टी पर चली गई है जो उनके बयान के बाद कटघरे में खड़े हैं। वैसे मोहन भागवत जी जिस निरंतरता के साथ इस तरह के बयान देते हैं, वह उनके या संघ परिवार की सोच में कोई परिवर्तन दिखाता है या नहीं, यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई है जो आरएसएस में बड़े बदलावों की शुरुआत कर सकता है तो वह भागवत जी ही है। धीरे धीरे वह मुसलमानों के प्रति संघ के रवैये को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
इसको इस पूरे बयान के महत्व को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो मोहन भागवत जी एक मुखर व्यक्ति हैं, वे अपने मन की बात कहते हैं और वो भी किसी के डर के बिना। हाल ही में उन्होंने कई दफा सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों के प्रश्न को संबोधित किया है। उन्होंने ये सभी बयान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में कहे थे। उनकी टिप्पणियों से अचानक हृदय परिवर्तन का पता होना नहीं चलता। वास्तव में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी MRM दिसंबर 2002 में RSS प्रमुख KS सुदर्शन के संरक्षण में बनाया गया था और वर्तमान में इसका नेतृत्व इंद्रेश कुमार जी कर रहे हैं, जो भागवत जी की तरह ही मानते हैं कि जब हिंदू और मुसलमान पूर्वजों, संस्कृति और मातृभूमि को साझा करते हैं तो टकराव की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उनका मानना है कि एक बार हिंदू और मुसलमान भारत की आत्मा को समझ लें तो दोनों समुदायों के बीच जो कड़वाहट है वो गायब हो जाए। थोड़ा सा और समझाता हूं। 17-18 करोड़ मुसलमानों को भारत से बाहर नहीं किया जा सकता। दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। कोई भी NRC उन सभी को बाहर नहीं कर सकती और कोई देश उन्हें स्वीकार भी नहीं कर सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर कोई अरब देश या फिर कोई भी इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान ने तो उन बिहारी मुसलमानों को भी स्वीकार नहीं किया जिन्होंने 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में प्रवास करने का विकल्प चुना था। फिर वह उन भारतीय मुसलमानों को कैसे स्वीकार कर सकता है जिन्होंने एक सामंती और धार्मिक पाकिस्तान के बजाय एक सेकुलर कंट्री यानी इंडिया को चुना हो। MRM का जो प्राथमिक कार्य है वो है मुस्लिम समुदाय के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, मतलब बातचीत करना। और ऐसा करने के लिए इन माय पर्सनल ओपिनियन इसे उन मुसलमानों के साथ जुड़ना चाहिए जिन्हें पूरे देश में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है, जैसे कि हमारे देश में भी अब्दुल कलाम साहब भी रहे हैं ऐसे लोग। MRM को कई विवादास्पद मुद्दों पर मुस्लिम दृष्टिकोण की सराहना करने का प्रयास करना चाहिए। इसे उदार हिंदू कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की नजर में कुछ विश्वसनीयता मिल सकती है। तो मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा उसको लेकर लगता है कि वो स्वीकार करते हैं कि मुसलमान वास्तव में डर में जी रहे। वैसे भागवत जी ने उनसे आग्रह किया है कि वो डर के चक्र में बिल्कुल ना फंसे, कि भारत में इस्लाम खतरे में, ऐसी चीजों के बहकावे में बिल्कुल ना। वैसे RSS प्रमुख को हिंदुत्व के पैदल सैनिकों और भाजपा नेताओं को भी बताना चाहिए कि हिंदू भी खतरे में नहीं है। भले ही हालिया चुनावी मजबूरियों ने इसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राजनीतिक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की हो, भागवत जी ने कड़े शब्दों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं की निंदा की है, जो कि तारीफ के काबिल बात है। देश की आत्मा में ऐसी हिंसा की कहीं भी जगह नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिंचिंग के खिलाफ इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है जैसा कि RSS प्रमुख ने किया। RSS प्रमुख जोर देकर कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष का एकमात्र समाधान बातचीत है, कलह है, मतलब डायलॉग है, साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा इज नॉट ए सॉल्यूशन। उन्होंने साफ किया है कि हम एक लोकतंत्र में हैं, इंडिया इज अ लोकतांत्रिक कंट्री, ऐसा उन्होंने बताया। हिंदू या मुसलमानों का वर्चस्व यहां पर बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ महीने पहले एक हिंदी दैनिक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने जब इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की थी और वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि संविधान कहीं नहीं कहता कि भारत में अकेले हिंदू रह सकते हैं या इस देश में केवल हिंदुओं की बात होगी या भारत में रहने के लिए सर्वोच्चता स्वीकार करनी होगी हिंदुओं। उन्होंने यह भी बताया कि हल्दीघाट जो कि 1576 में हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उस लड़ाई में मुगलों और राजपूतों के बीच जो लड़ाई लड़ी गई, बड़ी संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी संख्या में उस लड़ाई में महाराणा प्रताप सिंह की तरफ से, जो महाराणा प्रताप सिंह जो साइड थे उनकी तरफ से कई लोग ऐसे लड़ रहे थे जो मुस्लिम थे, और वहीं दूसरी तरफ मुगल सेना का नेतृत्व और कोई नहीं बल्कि राजा मान सिंह कर रहे थे। समझे इस बात को, वो लड़ाई सीमाओं को लेकर थी, हिंदू मुस्लिम की नहीं, जैसा कि आजकल लोग समझते हैं और दूसरों की समझाने की कोशिश करते हैं। RSS प्रमुख बार बार ये कहने के लिए सराहना के पात्र हैं कि मुसलमान इस देश के समान नागरिक हैं। यह कहकर कि हिंदुओं और मुसलमानों का DNA समान है, उन्होंने मुसलमानों के विदेशी होने के सबसे बड़े तर्क को, जो उन्होंने फैक्ट कहा है, उसको ध्वस्त कर दिया। वैसे आजकल जब राष्ट्रवाद सुनते ही बहस हिंदू मुस्लिम पर शुरू हो जाती है। अब सोच, राष्ट्रवाद का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबसे क्या लेना देना। तो समस्या ये है कि हम राष्ट्रवाद में लैंड यानी भूमि और टेरिटरी यानी सरहदें इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहते हैं, इनको एक्सेसिव इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ अपनी भूमि से प्यार करना नहीं है, राष्ट्रवाद का मतलब है अपने लोगों से प्यार करना, अपनी जमीन से प्यार करना, अपने यहाँ की नदियों से प्रेम करना, अपने यहाँ के पेड़ों से प्रेम करना, अपनी संस्कृति से प्रेम करना, अपने कल्चर से प्रेम करना, अपनी ट्रेडिशन से प्रेम करना। यह है असली राष्ट्रवाद।
एंड लेट मी गिव अ क्लैरिटी ऑन दिस, सरकार के खिलाफ बोलने से कोई एंटी नेशनल नहीं हो जाता और सरकार के खिलाफ बोलने की आड़ में देश के खिलाफ बोलने से आप नेशनलिस्ट नहीं कहला सकते। दिस इज सो सिंपल एंड बेसिक। आरएसएस प्रमुख नफरत और कट्टरता के माहौल में उम्मीद की किरण बनकर उभरे और अगर अंदर खाने व्याप्त इस हिंदू मुस्लिम द्वेष को जल्द खत्म कर दिया जाए तो एक शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। बचपन में जितना भारी बस्ता होता है उतना ही चलना मुश्किल होता है, तो अगर तेजी से चलना है, तेजी से तरक्की करनी है, विकास के रास्ते पर इस भारत को जल्द ही ले जाना है तो पुराने द्वेष को हमें छोड़ना होगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही, कल एक बार फिर एक अन्य नए मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।